से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इदरीसी बटन स्टोर में। जैसा कि आज आप ये देख रहे हैं, मैंने फिर आज आपके लिए स्पेशली रोज़ की ही वीडियो फिर से बनाई है, क्योंकि इसमें मेरे थोड़े कुछ पौधे थे उनमें कुछ मिस्टेक थी। मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर की जाए, और इसमें मिस्टेक और गलती क्या थी दोस्तों, वह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, फिलहाल आप पौधों पर नज़र डाल दीजिएगा। जो मेरे कुछ टिप्पणों में ये पौधे लगे हुए हैं, देख सकते हैं ये आप। कुछ ठंडा होता है मौसम तो कभी बरसात हो जाती है, तो इस वजह से जो है पेड़ों को थोड़ा सा आप ज़रा जो है सेफ्टी रखें पेड़ों की, तो वो उसका मैं बताता हूँ कारण क्या है दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने इसकी कर दी थी प्रूनिंग थोड़ी सी, अभी बिल्कुल जस्ट अभी, यानी कि आज 27 मार्च 2020 को दोस्तों। तो इसमें क्या दिक्कत हुई थी कि मैंने, ये देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ पर इसका जो प्लांट है, इसका इसकी जो जड़ है, इसके पास जो पत्ते ये देते देख सकते हैं इस तरीके के लिए, ये जब इससे टच हो जाती है दोस्तों, जब ये इससे टच हो जाती है तो हमारा पूरा पेड़ ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसको जो है रिमूव कर दें, जो कि हमारे इस ज़मीन के जो है इससे टच ना हो, गमले की मिट्टी से, क्योंकि इसकी मिट्टी से जब ये टच होगी तो इससे फफूंद लगेगी। फफूंद लगने की वजह से ये मेरे सारे पौधे देख सकते हैं आप, ये अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाए, बट जो है फिर भी कुछ हद तक अब ठीक हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं इसका, ये कि पत्ता बस लीफ मैंने रहने दिया, बाकी इसकी सारी मैंने गुड़ाई और इसकी सारे नीचे की लीफ और जो इसकी जो शाख जो सूख रही थी वो मैंने सारी कट कर दी है दोस्तों। इसकी क्या, ये इसकी क्या, जैसे कि ये देख सकते हैं ये भी किस तरीके से है, और ये देख सकते हैं बाकी इसमें फर्टिलाइज़र जो मैंने यूज़ किया था लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो बराबर प्रॉपर अपना वर्क कर रहा है, क्योंकि कलियां बराबर लगी हुई हैं हर पौधे पर गुलाब के, देख सकते हैं आप, दो दो तीन तीन कलियां तक हैं, ये देख सकते हैं। और बाकी इसमें दिक्कत जो थी मैंने आपको बताई, कैसे जो है इसकी सतह से थोड़ा दूर रखें, और इसकी जो मैंने छटाई की है दोस्तों, ये देख सकते हैं किस तरीके से इसका मलबा निकला है गुलाब का, ये देख सकते हैं कितना मलबा है इसका, कितने ड्राई हो गए थे इसके पत्ते और उन पर जो है जाला आना शुरू हो गया था। जैसा कि आप दोस्तों इसमें वीडियो में दिखा नहीं सकते मैं आपको, क्योंकि बहुत महीन से जाला है और दिखेगा भी नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक हाल लीफ में शायद दिख जाए, पर मैंने, और इसमें जो है अभी ये देख सकते हैं इस लीफ में देखने की कोशिश करिएगा ये, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है इसमें जाला है, और इस ये जाला जो है इसके पता नहीं कौन सा कीड़ा होता होगा इसमें, बहरहाल मुझे इसके बारे में ज़्यादा भी अंदाज़ा है नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं, फ़िलहाल मैंने जो समझ में आया मैंने वो किया है। फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये तरीका जो है कारगर है, कामयाब रहेगा दोस्तों। मेरा आपसे यही सजेशन है, यही सलाह है कि आप जो है पौधे की इस वाली नीचे वाली सतह को जो है पत्तों से टच ना होने दें, और जो इसमें जो सड़े गले जो पत्ते होते हैं इन्हें जो है कि जो है यहाँ से निकाल दिया करें, वरना इसकी वजह से भी फफूंद आती है और इससे जो है पेड़ हमारा ख़राब हो जाता है। ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन, एक स्टैम्प कितनी अच्छी चली है इसकी, और दूसरी स्टैम्प को आप देख सकते हैं गौर से, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, कोई नई कली नहीं निकली है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।